तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टोक्यो एवेंजर्स की साइड सीरीज लेटर फ्रॉम काइसुके बाजी का चैप्टर 8। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैगजीन या मांगा एक मंथली इशू है। अनलाइक टोक्यो एवेंजर्स जो कि वीकली बेसिस पे अपलोड होता है, ये मंथली बेसिस पे होता है, इसलिए इसका चैप्टर आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि बाजी चीफ यू से उसके घर के कामों में मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि बाजी का हाथ फ्रैक्चर होता है और फिर चीफ यू मदद करने के लिए हाँ कर देता है। और जैसा कि हमें याद है कि बाजी की मॉम चीफ यू से काफ़ी सारा काम करवाती हैं, जो कि चीफ यू काफ़ी खुशी खुशी करता है। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमको पता चलता है कि बाजी चीफ यू को अपने छोटे भाई की तरह देखता है, जिसके बाद चीफ यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बाजी भी खुश हो जाता है। और इसी के साथ पिछला चैप्टर एंड होता है। तो अब आगे तो चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ रैंडम लोगों से जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और इन तीनों लोगों के ग्रुप में से एक बंदा एक दो लोगों के ग्रुप से जाके टकरा जाता है। इसके बाद वो डुओ उन तीनों की तरफ घूमता है, और जब वो तीनों बंदे इन दोनों की शक्लें देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और शायद अभी तक आपने गैस कर लिया होगा कि ये दोनों आखिर कौन है। तो अभी तक आपने गैस कर लिया होगा कि आखिर ये दोनों कौन है। ये लोग और कोई नहीं, माइकी और ड्रैकन है, या फिर शायद उनकी सस्ती कॉपी। तो उसके बाद जो वो सस्ता माइकी होता है वो इन तीनों को डराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा कंधा टूट चुका है। जिसके बाद नकली ड्रैकन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि किसी को इसकी भरपाई करनी चाहिए। इन शॉर्ट ये दोनों बहरूपिए उस बात का पैसा मांग रहे हैं जब वो लड़का इन दोनों साके टकराया था। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उस चौथे ड्रैकन को जो कि अपने पाप की कमाई गिनकर काफ़ी खुश हो रहा होता है। और जब वो नकली ड्रैकन अपने पैसे गिन रहा होता है, उसी समय सस्ता माइकी कहता है मिनातो कुन, जो कि उस नकली ड्रैकन का असली नाम होता है। और उसके बाद नकली ड्रैकन अपना असली नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, और फिर वो सस्ते माइकी को कहता है कि जब मैं इस ड्रेस में हूँ तो मुझे कैंचिन बुलाया करो। और उसके बाद सस्ता माइकी कहता है हाँ, पर मुझे अब ये सब काम सही नहीं लग रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब कामों की वजह से किसी दिन मैं अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। और ये सब सुनने के बाद वो नकली ड्रैकन कहता है माइकी, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, हम चाहे जितनी मर्जी बार कोशिश कर ले हम बेस्ट नहीं बन सकते, और हर बार कोशिश करने के बाद भी आखिर में हम लोग कुछ नहीं है। पर अब ऐसा और नहीं है, हमारे पास हमारी लाइफ एक्सपीरियंस करने का सबसे बेस्ट चांस है, और अगर ये सब होने के बाद भी हम लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते तो हम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। और यहाँ पर अगर हम छोटे में कहें तो इन दोनों से खुद से कुछ भी नहीं उखाड़ा गया, इसलिए ये नकली ड्रैकन और माइकी बन के घूम रहे हैं ताकि ये लोगों से पैसे अट सकें। और उसी वक्त जब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वहाँ पर आ जाते हैं चीफ यू एंड रियोसी। उसके बाद जब चीफ यू और रियोसी वहाँ से जा रहे थे तो चीफ यू नकली ड्रैकन से जाके टकरा जाते हैं, जिसके बाद चीफ यू उसको सॉरी कहता है, पर उसके बाद भी मिनातो जो कि नकली ड्रैकन होता है वो चीफ यू को डराने लग जाता है, और वो कहता है कि तुमको पता भी है तुम किससे आगे टकराए हो, मैं वाइस कैप्टन हूँ टोक्यो मांजी गैंग का। और यहाँ पर ये नकली ड्रैकन और माइकी फिर से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसके बाद चीफ यू कहता है वाइस प्रेसिडेंट ड्रैकन कुन, तो आप ही हैं ड्रैकन कुन, और ये माइकी कुन है, मैं हूँ चीफ यू टोक्यो मांजी गैंग से। जो सुनने के बाद उन दोनों की सच में बहुत ही ज़्यादा फट जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो टोक्यो मांजी गैंग के हैं, तो जानते होंगे कि ड्रैकन और माइकी कैसे दिखते हैं, पर चीफ यू तो जानता ही नहीं अभी ड्रैकन और माइकी कौन है, इनफैक्ट होता अभी तक मिला ही नहीं उनसे। तो चीफ यू को बिलीव हो जाता है कि वही ड्रैकन और माइकी है, और वहाँ पर रियोसी खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये ड्रैकन और माइकी नहीं होते थे, पर उसके दिमाग में मस्ती सूझ रही होती है, वो सोचता है क्यों ना इनसे मजे लिए जाएँ, क्योंकि रियोसी को पता होता है कि कुछ लोग नकली ड्रैकन और माइकी बनकर घूम रहे होते हैं और उनकी पहचान का फायदा उठा रहे होते हैं और टोक्यो मांजी गैंग का नाम खराब कर रहे होते हैं, इसलिए रियोसी सोचता है कि इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रियोसी ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने इन दोनों को नहीं पहचाना होता और वो इनको ड्रैकन और माइकी ही समझ रहा था। और जब ये दोनों बहरूपियों को ये पता चलता है कि इन लोगों ने इनको नहीं पहचाना तो इन दोनों के तो भाव ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले तो ये सोचते हैं कि हो सकता है इन्होंने माइकी और ड्रैकन को कभी देखा ही ना हो, पर फिर बाद में सोचते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि हम दोनों उनकी तरह काफ़ी ज़्यादा दिखते हों। उसके बाद वो नकली ड्रैकन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो चीफ यू से पूछता है हे आखिर उस बैग में क्या है, और उसके बाद चीफ यू कहता है कि उसे ढंग से तो नहीं पता कि आखिर ये सब क्या है और बाजी सैन इसका क्या करेंगे, पर हम देख सकते हैं कि उसके हाथ में एक प्लैंक होता है और एक हथौड़ा,
और उसके बाद चीफ यू कहता है कि वैसे हम बाजी सैन से मिलने जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते। जिसके बाद बाजी का नाम सुनते ही उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाजी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स होता है टोक्यो मांजी गैंग का और वो फर्स्ट डिविजन का कैप्टन भी है। और इसलिए वो बाजी से नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि बाजी उन्हें पहचान लेगा और फिर वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। और इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाजी से नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो नकली ड्रैगन और माइकी वहाँ से ये कह के जाने लग जाते हैं कि हम किसी भी इंसान से ऐसे नहीं मिल सकते, और खासकर हमें किसी बाजी वाजी से मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और जिसके बाद ये सब सुनकर योशी का तो दिमाग खराब हो जाता है, और वैसे भी वो जानता था कि ये दोनों पाखंडी हैं। और उसके बाद रियोशी कहता है, क्या तुमने कुछ ज़्यादा नहीं कह दिया, असली ड्रैगन और माइकी तो ऐसे नहीं है। और उसके बाद चीफी भी कहता है कि हाँ, अगर आप लोगों को मुझसे बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर बाजी सैन के बारे में तो कम से कम ऐसा मत बोलिए। उसके बाद वो दोनों बहरूपे कहते हैं, अरे गधो, हम आ रहे हैं, हम क्यों नहीं आएंगे, हम बिल्कुल आ रहे हैं। जो सुनने के बाद चीफ यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उनको शुक्रिया कहता है। और उसके बाद रियोसी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ आ रहे हो, क्योंकि मैंने रिसेंटली सुना था कि कुछ बहरूपिये टोक्यो मांजी के मेंबर्स बनकर हमारा नाम खराब कर रहे हैं, और मुझे लगने लग गया था कि शायद ये बात सच है। उसके बाद हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि चीफ यू रियोसी को डांट रहा होता है, क्योंकि उसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वाइस कैप्टन और लीडर होते हैं टोक्यो मांजी गैंग के। और यहाँ पर पीछे में ये दोनों बहरूपे सोच रहे होते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकले, हमें किसी भी तरह से बाजी सैन से अपनी मीटिंग अवॉइड करनी होगी। और दूसरी तरफ रियोसी सोच रहा होता है कि उसे खेलने के लिए कुछ खिलौने मिल चुके हैं, और अब वो प्लान कर रहा होता है कि वो इनसे किस तरह से मजे लेने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि रियोसी उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में लाया होता है खाना खिलाने के लिए, और टेबल पर हम देखते हैं कि रियोसी ने काफ़ी सारा खाना ऑर्डर कर दिया होता है, और बहुत सारी आइसक्रीम के साथ वहाँ पर श्रिंप और कुछ जैपनीज डिशेज भी होती हैं। और उसके बाद रियोसी कहता है कि मैं जब भी इन दोनों को इस तरह से इनवाइट नहीं करता, ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खाना खाते हैं, तो तुम लोग यहाँ पर जितना मर्जी खा सकते हो जब तक कि काइसुके कुन नहीं आ जाते। पर जैसे कि हम देख सकते हैं, उन दोनों की शक्लें देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि उन दोनों को खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। इनफैक्ट वो लोग कहते हैं कि हमने कुछ देर पहले ही खाना खाया था, जिसके बाद रियोसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है, मुझे ये मत कहना कि तुम माइकी और ड्रैगन, और इतना सुनते ही और वो दोनों जानवरों की तरह खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और नकली ड्रैगन कहता है, हाँ मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाना देखते ही मुझे दोबारा से भूख लग गई है। उसके बाद माइकी कहता है, मेरा मतलब नकली माइकी, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। और इन दोनों को देखकर चीफ यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, मतलब इम्प्रेस हो जाता है, कहता है कि क्या बात है, मतलब सच में ताकतवर लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। और हम रियोसी को देखते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा खुश था उन दोनों को परेशान कर गए, और वो दोनों कह रहे होते हैं कि अगर हमने ये खाना नहीं खाया तो इन दोनों को हम पर शक हो जाएगा कि हम दोनों असली माइकी और ड्रैगन नहीं है, या तो हम यहाँ पर ये खाना खा लें या फिर हमें टोक्यो मांजी गैंग का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि रियोसी उन दोनों को जॉगिंग करवाने के लिए लेके आया होता है, मतलब पहले खिला दिया उसके बाद वो जॉगिंग करवा रहा है। और यहाँ पर भी रियोसी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर हम देखते हैं कि सामने में कोई राइवल गैंग आ जाती है टोक्यो मांजी की। उसके बाद रियोसी कहता है कि मैंने तुम्हें आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा, तुम अक्सर खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करना चाहते थे, आखिर तुम आज क्यों नहीं कर रहे। मतलब रियोसी उनको फाइट करने के लिए बोल रहा होता है, और फिर चीफ्यू कहता है, मुझे भी तुम लोगों के साथ आने दो। और उसके बाद हम देखते हैं चीफ्यू को, जो कि पहले ही अटैक कर चुका होता है उस राइवल गैंग के ऊपर, और पीछे से वो दोनों तोंदू ड्रैगन और माइकी भी वहाँ पर जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं रियोसी को, जो इतनी देर से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, उन दोनों मोटो को इस तरह से भागते देख उससे हंसी कंट्रोल नहीं होती, और वो लोटपोट होकर हंसने लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रियोसी उनको एक सोना में लेके आया होता है, मतलब वहीं पर जहाँ पर गर्म भाप से लोग नहाते हैं। उसके बाद रियोसी उनसे ईंटें तोड़वाता है, और फिर से उन्हें वो खाना खाने के लिए बुला लेता है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम और नहीं सह सकते। और फिर रियोसी कहता है, हे तुम इस तरह से भाग नहीं सकते मेरे से। फिर वो दोनों डरते हुए कहते हैं कि हम दोनों बाथरूम जा रहे हैं, और रियोसी उनका पीछा करने लग जाता है बाथरूम पर भी। उसके बाद चीफ यू कहता है, अरे तुम उनका बाथरूम में पीछा क्यों कर रहे हो। और रियोसी कह रहा होता है कि वो दोनों इडियट्स मुझसे ऐसे नहीं बच सकते। और फिर चीफ यू सोचता है कि इडियट्स क्यों बोला उसने उसे। और हम देखते हैं कि उन दोनों का पीछा करते करते रियोसी बाहर आ गया होता है, और चीफ यू भी रियोसी का पीछा करते करते बाहर आ जाता है। और चीफ यू रियोसी को रोकते हुए कहता है, हे आखिर तुम्हारा मतलब क्या था कि तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते।
पर रियोसी तो चीपियो की बात का जवाब नहीं देता, वो अपने ख्यालों में होता है और कह रहा होता है उन दोनों से, अब तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। जेन सब के बाद चीपियो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना ये लोग। और इतनी देर में ही वहां पर एक कुत्ता आ जाता है जो बहुत प्यार से रियोसी की तरफ घूम के कहता है वो। और जब रियोसी उस कुत्ते को देखता है तो उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल जाती है और हम देखते हैं कि उस डॉग को बाजी लेके आया होता है। और फिर चीपियो कहता है ये डॉग कितना प्यारा है ना रियोसी। और इसके बाद बाजी बताने लग जाता है कि इस कुत्ते का नाम पोची है और ये 5 दिन का डॉग है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इस डॉग का ख्याल रख लूँ जब तक 5 दिन अपनी वेकेशंस पे गया हुआ है, इसलिए मैंने तुमसे वो सारा सामान लाने के लिए कहा था, वो प्लैंक और हथौड़ा, ताकि मैं इसके लिए एक डॉग हाउस बना सकूँ। जिसके बाद चीपियो कहता है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि आखिर इन सब सामान को आपने क्यों मंगाया था। और फिर बाजी आगे कहता है कि ये कोई फाइट करने का समय नहीं है, चलो चल के इस डॉग हाउस को बनाते हैं। और हम देखते हैं रियोसी को जो धीरे धीरे करके पीछे हट रहा होता है क्योंकि उसे उस डॉग से डर लग रहा था। और उसके बाद चीपियो कहता है हे रियोसी तुम आखिर उस तरह का चेहरा क्यों बना रहे हो। जिसके बाद रियोसी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस उसे पकड़ के रखो। उसके बाद हम देखते हैं वो कुत्ता कहता है वो, और रियोसी कहता है आ, और वो कुत्ता कहता है वो, और रियोसी कहता है आ। और फिर रियोसी वहां से चिल्लाते हुए भागने लग जाते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हम देखते हैं चीपियो को जिसकी तो आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि वो सोच रहा होता है वो बंदा जिसने पूरी गैंग को लपेट दिया वो एक कुत्ते से डर रहा है। और फिर उसके बाद चीपियो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस डॉग से डर लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि चीपियो को रियोसी को सताने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल चुका होता है जो कि चीपियो किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। वो उस कुत्ते को बाजी सेन से लेता है और फिर रियोसी के पीछे पड़ जाता है। और हम देखते हैं कि रियोसी कितना ज्यादा रो रहा होता है और चीपियो काफी ज्यादा खुश था। और रियोसी भागते भागते रो रहा होता है, वो कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। पर चीपियो कहाँ रियोसी को छोड़ने वाला था। और फिर हम देखते हैं बैकग्राउंड में उन दोनों बहरूपियों को कह भाग भाग अपनी लाइफ के लिए भाग, मतलब वो लोग काफी खुश हो रहे थे क्योंकि रियोसी ने उन्हें काफी तंग करा होता है। पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, वहां पर बाजी खड़ा होता है और वो उन दोनों को पहचान लेता है कि ये दोनों नकली हैं। और बाजी कहता है ओए तो तुम ही वो दोनों इम्पोस्टर हो जिसके बारे में मैं सुन रहा था, तो टोक्यो मांजी गैंग का नाम खराब कर रहे हो। मुझे अपने हाथ साफ करने के लिए सुबह से ही कोई मिल नहीं रहा था। और उसके बाद हम बैकग्राउंड में देखते हैं जहां से बहुत ही ज्यादा दर्दनाक आवाजें आ रही होती हैं, और जाहिर सी बात है वो आवाजें उन दोनों से आ रही हैं और उनको मारने वाला बाजी है। तो यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, बाय।